अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरदारा में स्थित रामनगर खागोवाला गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान समीम जहां हैं, वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं जब ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई, तो गांव में 30 सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 50 शौचालयों का निर्माण भी वर्तमान प्रधान द्वारा कराया गया है। इसी के साथ गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप, विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, 70 शौचालय, पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण, शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत रामनगर खागोवाला प्रधान पति नसीम अहमद, मैं अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 30 छोटे बड़े रास्ते जिसमें टैल सीसी का निर्माण कर चुका हूँ और 7 आवास जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मैं मकान, सरकार ने मुझे मकान दिए, मैंने उन पात्र व्यक्तियों को मकान दिए और 50 शौचालय मैंने तैयार करा दिए हैं और बाकी और शौचालयों में काम चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं रामनगर मेन रोड से लेकर और मैसू वाला तक एक मेरे है कि 200 मीटर रोड बिल्कुल ख़राब पड़ी है, जिसमें आने जाने वाले व्यक्तियों को बहुत परेशानी पड़ती है बरसात में आकर। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि इस रोड की जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपया कराएं। और मेरी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है और मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूँ कि मेरे गांव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की कृपया करें। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, मैं ग्राम पंचायत रामनगर खागोवाला का स्थायी निवासी हूँ और हमारे ग्राम में, ग्राम रामनगर खागोवाला में जो वर्तमान प्रधान हैं बहुत ही बढ़िया काम करा रहे हैं, बिना किसी मतभेद के, यानी कि सारे बिरादरी हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारे द्वारा, हमारे प्रधान जी को दोबारा मौका दिया जाए।